तो फिर याद बादशाह कदमों का इशारा दिया, ऐसे कदम किए तो थर थराने लगे कायनात, कदम ऐसे किए तो थर थराने लगी कायनात। तो जबरील गुलाम जितने थे, सरकार ये क्या हुआ, सरकार ये क्या हुआ? तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे कदमों से रोशनी लेकर, मेरे कदमों से रोशनी लेकर, मेरे कदमों से रोशनी लेकर अर्श का कारोबार चलता है, रोशनी लेकर अर्श का कारोबार चलता है, मेरी जुल्फों से सब संवरती है, मेरी जुल्फों से सब संवरती है, मेरी बादशाह फरमाने लगे, तब तो सुनाइएगा, मेरा बातन मेरा जाहिर मेरी इमामत है, मेरा जाहिर मेरी इमामत है, मेरा बातन खुदा समझता है, मेरा जाहिर मेरी इमामत है, मेरा बातन खुदा समझता है, क्योंकि जहरा के सर का ताज हूं मैं, क्योंकि जहरा के सर मौला फरमाने लगे, मैं हूँ रोजी रसा जमाने का, मैं हूँ रोजी रसा जमाने का, हाय हाय हाय, लेके जी बोला जा पीछे हो क्या, बल्कि बाबा साहब पीछे हो, इस वास्ते मैं हूँ रोजी रसा जमाने का, रोजी रसा जमाने का, ये तुझे किबरिया बताता है, दीवाना। तो मुखालिफ कहने लगा, अरे क्या तेरा मुर्शद कब्र में आ सकता है, तेरा मुर्शद कब्र में आता है? तो मलंग कहता है, जब वो आता है तो फिर और कोई नहीं आता। तो मुनकर कहने लगा, जब तू मरेगा मैं तेरी कब्र इतनी मजबूत बनाऊंगा, मैं देखूंगा तेरा मुर्शद कैसे आता है। तो यही बादशाह का मलंग है, उसने कहा, अरे चल तू ऐसा भी कर ले, लेकिन मैं एक मिसाल दूंगा, मेरे मौला को आने में कोई दिक्कत नहीं होती, मेरे मालिक को आने में कोई रुकावट नहीं है, उसकी दलील पेश कर रहा हूं कैसे। मुनकर कहता है, पहले मट्टी की तह लगाऊंगा, संगे मरमर से फिर सजाऊंगा, संगे मरमर से फिर
कहता है, अरे चल क्या तेरी कब्र की दीवारें हैं